आई फ्लू के बाद अब डेंगू के एक्टिव केसेस भी सामने आ रहे हैं। डेंगू के एक नए स्ट्रेन की काफी चर्चा है। बाकी स्ट्रेन की तुलना में डेंगू का डेन 2 स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है। इससे भी ज्यादा खतरनाक ये तब होता है जब दोबारा हो जाए तो। आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये स्ट्रेन है क्या और इससे बचाव कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में और देश के कई हिस्सों में डेंगू के केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं। परेशानी वाली बात यह है कि इस बार डेंगू के जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें डेन 2 स्ट्रेन के मामले भी पाए गए हैं। डेंगू का ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन है, इस बात को दिल्ली सरकार ने जांच के बाद कंफर्म किया है। ये डेंगू का खतरनाक स्ट्रेन है और इसी स्ट्रेन की वजह से 2021 में डेंगू से सबसे ज्यादा जाने गई थी। दिल्ली के डॉक्टर्स के मुताबिक डेंगू के 4 स्ट्रेन का अब तक पता चला है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक डेन 2 स्ट्रेन है। इसमें हेमरेजिक फीवर और क्लीडिंग का खतरा ज्यादा रहता है। इसमें मरीज बेहोशी की कंडीशन में चला जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये समस्या सबको नहीं होती, इसलिए घबराने के बजाय लोग बचाव पर ध्यान दें और मच्छरों को पनपने ना दें। एलएनजीपी के डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी स्ट्रेन की तुलना में डेन 2 ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर वाली बात यह है कि जिसे दोबारा डेंगू होता है उसमें ये खतरनाक हो जाता है। पहले से शरीर में एंटीबॉडी होती हैं और उसका रिएक्शन सीवियर होता है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कुछ केसेस में अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ जाता है। इस स्ट्रेन में हेमरेजिक फीवर का खतरा बढ़ जाता है और शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है ये हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक फीवर में हड्डी तोड़ बुखार होता है। प्लेटलेट्स अचानक कम होने की वजह से मुंह, नाक, यूरिन या स्टूल से खून निकलने लगता है। बीपी भी कम हो जाता है। लगातार उल्टियां आती हैं। पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और मांसपेशियों के अलावा सिर, आंखों और उसके आसपास बेहद ही असहनीय दर्द होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में डेंगू के कुल 9613 केसेस सामने आए थे, जिनमें 23 लोगों की जान चली गई थी। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा केसेस और जाने इसी साल गई हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इसे लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ सावधानियां बरतकर इसे बचाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे। घर या ऑफिस के आसपास पानी जमा होने ना दें। गड्ढों को मिट्टी से भर दें। रुकी हुई नालियों को साफ करें। अगर किसी जगह पानी को जमा होने से रोकना संभव नहीं हो तो वहां पर पेट्रोल या केरोसिन डाल दें। रूम के कूलरों, फूलदानों का पानी हफ्ते में एक बार और पक्षियों को दाना पानी देने के बर्तन को रोज पूरी तरह खाली कर उन्हें सुखाने के बाद फिर से पानी भर दें। घर में टूटे फूटे डिब्बे, टायर, बर्तन, बोतल आदि ना रखें। अगर रखें तो उल्टा करके रखें, जिससे उसमें पानी जमा ना हो पाए। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए पानी की टंकी को अच्छी तरह से बंद करके रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।